तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, देख सकते हो यहाँ पर आपके स्कूल शिक्षा विभाग से अभी की अभी 3/1/2023 यानी कि 3 जनवरी 2023 को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देखकर जरूर जाएं। अगर दोस्तों आपने इसको मिस कर दिया तो आप समझ लीजिएगा कि आपको स्कूल में जाकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो का एक एक पल बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही कम समय में आपका लेने वाला हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, ये अभी की अभी दोस्तों ये हमारे पास ये आदेश आ चुका है। देखिएगा क्या लिखा है, लोक शिक्षण सचिवालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर। जी हां दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर पूरा यह आदेश जारी किया गया है। क्या लिखा है, भोपाल दिनांक 3/1/2023 को। देख सकते हो क्या लिखा है, अर्धवार्षिक परीक्षा संशोधित शीतलहर। देखिएगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और दोस्तों ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग क्या कर रहा है कि 8 बजे से परीक्षा आयोजित करवा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो 8 बजे ऐसा लगता है जैसे कि सुबह अभी सूरज भी नहीं निकला है। उस टाइम पे कई बच्चों को गांव से आके उनको स्कूल जाना पड़ता है। देखिएगा कई स्कूल शहरों में होते हैं और गांव में बच्चे रहते हैं, तो उनको लगभग ये समझ लीजिएगा 25 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर तक बच्चे गांव से चलकर स्कूल में जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर कोई बच्चा 8 बजे स्कूल पहुंचेगा तो उसको घर से फिर 6 बजे निकलना पड़ेगा, तभी जाके वो 8 बजे स्कूल पहुँच पा रहा है। मगर दोस्तों ऐसे में आपके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। देख सकते हो यहाँ पर यह पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर ये जारी किया गया है। क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोग इसको पढ़ लें। शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा की संशोधित समय सारणी जारी करने विषयक। देखिएगा दोस्तों, ये पूरी की पूरी संशोधित समय सारणी है, यानी कि अब आपका परीक्षाओं का टाइम टेबल बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपका टाइम टेबल बदल दिया गया है, विषय चेंज नहीं हुआ है, केवल और केवल आपका समय चेंज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, सिर्फ आपका समय चेंज हुआ है। क्या लिखा है, पूरी तरह से आप लोग देख पा रहे हो, कृपया उक्त संदर्भित आदेश का अवलोकन करें। शीतलहर के चलते एवं अनेक जिलों से प्राप्त आवेदन को दृष्टि तक रखते हुए हाईस्कूल उच्चतर माध्यमिक अर्धवार्षिक परीक्षा के समय के अनुसार में परिवर्तन किया गया है। देखिएगा नया समय कैसे होगा। देखिएगा पहले 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं का समय था 8 बजे से 11 बजे तक का, जो कि अब 9 से 12 बजे तक का कर दिया गया है। देखिएगा 1 घंटा आपका टाइम बढ़ गया। देखिएगा आप 9 बजे स्कूल में पहुंचे, नहीं तो 8 बजे पहुंच जाओगे तो आपको परेशान होना पड़ सकता है। आप दोस्तों आपको क्या करना है, पहले ये टाइम था, अब ये आपका समय नहीं रहा, अब आपको इस समय पे नहीं जाना है परीक्षाओं में। अब आपको कब जाना है दोस्तों, 9 बजे से 12 बजे के बीच में। उसके अलावा हाई स्कूल यानी कि 9वीं और 10वीं की परीक्षाओं का समय पहले 11 बजे से था, तो देखिएगा अब आपको 11 बजे स्कूल में नहीं जाना है, यह आपका टाइम चेंज हो गया। अब आपको जाना है दोस्तों 1 बजे से 4 बजे के बीच में। तो आप सभी लोग यहां से इसको देख लें, 1 बजे से आपका पेपर होगा और 4 बजे तक आपकी परीक्षाएँ चलेंगी। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इस टाइम को नोट जरूर कर लें, पूरे आपके जो पेपर होंगे अब इस समय पर होंगे। देखिएगा पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपके पेपर इस वाले समय पर है, इस वाले समय पर। यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, कक्षा 11वीं और 12वीं के पेपर का समय अब है 9 बजे से 11-12 बजे तक का, और इसके अलावा 9वीं और 10वीं के पेपर का समय है अब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का। तो पूरा आपने दोस्तों इसको नोट कर लिया होगा। देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और दोस्तों इसको अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों सभी विद्यार्थी कई बार ऐसा होता है कि अगर उन्हें इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो वो 8 बजे या फिर इसके पहले 11 बजे परीक्षा देने पहुँच जाएंगे और ऐसे में उनको असुविधा का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर फैलाएं। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।